बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल जॉबले। हाज़िर हूँ मैं न्यू जॉब्स के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रिटिश एम्बेसी की बहुत शानदार जॉब, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और अपने दोस्त अहबाबों में शेयर भी करिएगा ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं जॉब की डिस्क्रिप्शन की तरफ। मैंने बताया ब्रिटिश हाई कमीशन कराची यानी कि ब्रिटिश एम्बेसी में जॉब आई है, और जो यहाँ पे ब्रिटिश एम्बेसी में जॉब्स होती हैं उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं और वहाँ का माहौल वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर उसमें आप अप्लाई करते हैं और आपका हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बता देती हूँ, द ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन इन कराची इज़ इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोजीशन ऑफ पूल ड्राइवर कराची। अपने कराची ब्रिटिश एम्बेसी के और उनके लिए एम्बेसी के लिए उनको पूल ड्राइवर रिक्वायर्ड है। फॉर जॉब स्पेसिफिकेशन एंड फर्दर डिटेल्स प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट। जो आपको जॉब्स की फर्दर डिटेल्स मालूम करनी है उर्दू या इंग्लिश में, तो आपकी स्क्रीन पर ये URL शो हो रहा है, वेबसाइट शो हो रही है, tinyurl.com/56CLYNRW। अभी मैं ये आपको ओपन करके इसकी स्पेसिफिकेशन भी दिखा दूंगी, डिस्क्रिप्शन भी दिखा दूंगी, उसके साथ साथ अप्लाई आपको किस तरीके से करना है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। प्लीज़ कोट वैकेंसी नेम कराची इन द सब्जेक्ट लाइन एंड सेंड योर अपडेटेड CV टू saath.recruit@fcdo.government.uk। अच्छा, आपने क्या करना है, ईमेल करनी है, ठीक है। ईमेल जो आपने करनी है उसके सब्जेक्ट में आपने वैकेंसी का नाम लिखना है, यानी वैकेंसी का नाम है पूल ड्राइवर, तो आपने वैकेंसी के नेम में पूल ड्राइवर लिखना है। मैं आपको ईमेल का भी अभी तरीका बता देती हूँ, जिनको नहीं आता वो एंड में देख लीजिएगा और जिनको आता है वो वीडियो आप वहाँ तक के देख के छोड़ दिएगा, ठीक है। तो ये saad.recruit@fcdo.gov.uk ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है ईमेल एड्रेस, इस पर आपने ईमेल करनी है अपनी अपडेटेड CV, ठीक है। अपडेटेड CV आपने ईमेल करनी है और सब्जेक्ट की लाइन में आपको पूल ड्राइवर लिखना है। आपने जो अपनी एप्लीकेशंस हैं यानी जो ईमेल है वो 27 जून से पहले पहले भेजनी है, क्योंकि 27 जून 2023 एप्लीकेशंस सेंड करने की आखिरी दिन है। 27 जून रात 12 बजे तक के आप CV अपनी सेंड कर सकते हैं। आप अपनी CV जो है वो इनके ब्रिटिश एम्बेसी के एड्रेस पर भी सेंड कर सकते हैं। एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, Block 5 क्लिफ्टन, ये एड्रेस आपका शो हो रहा है, सॉरी, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन Block 5 क्लिफ्टन कराची 75600 पाकिस्तान। एप्लीकेशन की लास्ट डेट सेंड करने की है 27 जून 2023 रात के 12 बजे तक के आप इनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इनके एड्रेस पर सेंड कर रहे हैं तो आपको इस तरह सेंड करना है कि वो 27 जून से पहले पहले इनको मौसूल हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको URL पे जाके इनकी और फर्दर डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ और इनकी सैलरी वगैरह भी बता देती हूँ। तो सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका URL मतलब वेबसाइट डाल दूंगी, आप जस्ट उसको कॉपी करेंगे और अपने क्रोम पर जाकर उसको पेस्ट करेंगे, देन आपके पास ये इनकी डिस्क्रिप्शन की ब्रिटिश एम्बेसी की आपके पास ये वैकेंसी की डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। पूल ड्राइवर ग्रेड S1 कराची इनको चाहिए, ठीक है। जॉब कैटेगरी जो है वो फॉरेन है, मतलब जो इनके इनकी कैटेगरी आती है वो फॉरेन से है, और जो पे है वो भी आपको डॉलर्स में मिलती है, तो वो फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में आके वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, आपको जॉब में करना क्या क्या है वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि ड्राइवर की जो ड्यूटी है डेली चेक ऑफ टायर प्रेशर, हाइड्रोलिक फ्लूड, ऑयल, रेडिएटर और बैटरी लेवल, कीपिंग एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल जर्नीज इन व्हीकल, लॉन्ग बुक्स, कीपिंग इन द व्हीकल क्लीन्ड, मतलब साफ़ सुथरे वगैरह का ख्याल रखना है, सब रखना है। अच्छा, इसके लिए है जो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि ब्रिटिश एम्बेसी में जाहिर सी बात है सारे इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ भी होते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये आपके लिए अच्छी हो जाती है। इंग्लिश का ऐसा है
कि आप थोड़ी बहुत बोल भी सकें और अगर आपसे कोई कह रहा है तो आप वो समझ भी सकें इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा लिख और पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा वर्किंग पैटर्न्स भी यहाँ पर सब शो हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में चलें तो फिजिकली फिट होना चाहिए, गुड टीम प्लेयर होना चाहिए, अंडर प्रेशर में काम कर सकें, और बेसिक जो ऐड होते हैं मतलब FIR ऐड, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश बोलने और सुनने समझने की सलाहियत होनी चाहिए। इसके अलावा MS ऑफिस की बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन की डेडलाइन फिर यहाँ पर आपको दी हुई है कि ये सॉरी 27 जून 2023 तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। साउथ एशिया, अफगानिस्तान इसका रीजियन है, और कितनी वैकेंसीज चाहिए, एक वैकेंसी है। इसके अलावा सैलरी जो है वो यहाँ पर शो हो रही है, 70,775 रुपये इसकी सैलरी है, मतलब ये 71,000 आपके पर मंथ बन जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है डॉलर्स में पे करते हैं, तो पूल ड्राइवर की ब्रिटिश एम्बेसी में अगर आपकी नौकरी हो जाती है तो इसमें आपके बहुत बेनिफिट्स हैं, मेडिकल भी है और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो अच्छा, जो स्टार्टिंग डेट है वो जो आपकी वो है 1 जुलाई 2023। बाकी यहाँ पर आपको सारे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेसिक सैलरी है वो है 70,775 रुपये पर मंथ, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर है कि अपनी आपने CV जो है ईमेल के थ्रू जो सेंड करनी है, उसमें आपने पूल ड्राइवर S1 कराची, ये जो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन के नीचे पूल ड्राइवर S1 कराची बोल्ड में लिखा हुआ है, ये आपने सब्जेक्ट लाइन में लिखना है, ठीक है। और 27 जून से पहले पहले आपको दिए गए ईमेल एड्रेस पर इसको सेंड कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आप खुद जाके पढ़ लीजिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सारा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट के थ्रू भी नीचे ये अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरीके से सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस जॉब में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और आपके पास लाइसेंस भी है, और आप इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इस पेज पर दी हुई हैं कि आपने जो जो आपको पता हो कि सिंध के एरिया मतलब सारे रास्ते वगैरह सब आपको पता होने चाहिए, MS ऑफिस वगैरह आपको आना चाहिए, ये जो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों व्हीकल आपको चलानी आनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं और फिर भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप मेल हों आप तभी अप्लाई करें, ठीक है। अब मैं आपको ईमेल का तरीका बता देती हूँ, जिनको ईमेल का तरीका आता है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और जिनको ईमेल किस तरह करनी है ये देखना है तो आप वीडियो पर बने रहें और एंड तक के देखें, ठीक है। आप चलते हैं ईमेल की तरफ। जो आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ोन से जीमेल ओपन करनी है। जीमेल ओपन करने के बाद आपने कंपोज पे जाना है। कंपोज पर जाने के बाद आपने यहाँ टू पर इनकी ईमेल एड्रेस लिखनी है। ईमेल एड्रेस को गौर से देखिएगा, SAAD कैपिटल में है, डॉट रिक्रूट एट द रेट FCDO.gov .UK पे, ठीक है। ये आपने टू में लिखना है, आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा ये आ गई आपकी सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में आपने लिखना है पूल ड्राइवर S1 कराची,
ठीक है, सब्जेक्ट लाइन ये है, इसमें आपने पूल ड्राइवर S1 कराची लिखना है, देन आपने अपनी CV अटैच करनी है, और यहाँ पर आके अगर आपने कुछ अपना कवर लेटर भी साथ में लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सिंपल यहाँ से CV आप अपलोड करेंगे और फिर आप इसको कर देंगे सेंड। ठीक है, ये सेंड का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर देंगे सेंड। जी तो थी ना आज की शानदार वीडियो, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब्स के साथ। कमेंट में आप अपनी रिक्वायर्ड जॉब मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।